हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर वीडियो। आज की वीडियो में हम एक बहुत अच्छा स्टॉक लाए हैं, अपना पुराना स्टॉक लाए हैं, उसके ऊपर हमने बहुत सारी वीडियो बनाई है और एटलीस्ट अब भी आज की डेट तक जब से हमने उसके ऊपर कवरेजिंग चालू की है, मनी वहां से 50% रख कर रिटर्न कंपनी ने दे दिया है हमारे इन्वेस्टर्स को और वहां से और भी अच्छे रिटर्न्स देने के आगे जा रही है। बिकॉज जैसा प्लान है कंपनी का, जैसा कंपनी एक्सपेंस कर रही है अपना, जैसे जैसे बिजनेस पार्टनर्स अपनी बना रही है, वहां क्लियर दिखाई देता है मेरे को वो विज़न जो कि कंपनी देख रही है। और शायद ये मेरा ओपिनियन हो सकता है, लेकिन मैं अपने इस स्टॉक पे बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। आपको कैसा स्टॉक लगता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और स्टॉक हमारा जो है उस पर एक न्यूज़ आई है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पे स्टॉक का नाम है पूनावाला फाइनेंस। जैसे कि आप लोग नहीं जानते होंगे तो आपको बता दूँ, हमारे पास वीडियोज़ बहुत, आपको 3-4 वीडियो मिल जाएगी हमारी, तो ज़रूर ये तीनों वीडियो जरूर देखिएगा। तीनों वीडियो में कुछ ना कुछ आपको वैल्यूएशन मिलेगा। यहाँ से अगर बात करूँ तो पूनावाला फाइनेंस फिनकॉप, अगर मैं बोलूँ एग्जैक्ट लैंग्वेज में पूनावाला फिनकॉप, यहाँ पे पहले कंपनी का नाम मैक्वा फिनकॉप हुआ करता था। अगर आप इसे मैक्वा फिनकॉप की तरफ से जानते हैं तो आप सही कंपनी में हैं बिल्कुल। और पूनावाला फाइनेंस अब नाम हो चुका है जबकि जब से टेक ओवर किया गया पूनावाला के द्वारा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कंपनी का जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ आया है, न्यूज़ आर्टिकल आपको पढ़ के सुनाना चाहूँगा। तो पूनावाला फाइनेंस ने टाई अप किया है यहाँ पे एक ऐप के साथ जिसका नाम है क्रेडिट बी। अभी यहाँ पे जो कंपनी का नाम है वो अलग है, ध्यान से सुनिएगा। कंपनी का नाम भी बताऊंगा अभी और क्रेडिट बी के साथ जो इन्वेस्टमेंट है वो भी बताऊंगा। यहाँ नाम शायद एक्चुअल गलत लिखा हुआ है, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे अभी देख लेंगे। पूनावाला फाइनेंस जो कि है अभी जिस हिसाब से जो टाई अप किया गया है उसमें क्या करने वाला है, सबसे पहले स्मॉल टिकट पर्सनल लोन देने वाला है, यानी स्मॉल लोगों को जो भी इम्प्लॉयज़ हैं या ऑफिस प्राइवेट एम्प्लॉयड है वहाँ पे लोन डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है विद डिजिटल मेथड। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे एक और चीज़ शायद गलत लिखी है, आई डोंट नो, न्यूज़ में मुझे अजीब सा लग रहा है। यहाँ पे स्मॉल बिजनेस फाइनेंस है जो कि स्मॉल बिजनेस फाइनेंस के साथ टाई अप नहीं है, कंपनी जो कस्टमर्स के साथ टाई अप कर रही है, कंज्यूमर्स के साथ जो कि स्मॉल फाइनेंस लोन लेते हैं। अब यहाँ पे और चीज़ें बता दूंगा, उसके बाद आपको इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा कैसे कंपनी ने टाइप किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जितने भी है कंपनी का नाम दिया है, उसको जो स्पोक पर्सन है कंपनी के उन्होंने क्या बोला है वो भी चीज़, और उसके बाद सीईओ जो है कंपनी के जिनके साथ टाइप हुआ है उनके पास जो टेक्नोलॉजी है जिसके हिसाब से वो आगे डिजिटली अपने लोन्स प्रोवाइड करते हैं वहाँ क्या रोल रहेगा ये भी बताया। अब इससे पहले आगे बढ़े, उससे पहले आपको मैं बता दूँ कंपनी जो कंपनी इसको जिसके साथ टाइप हुआ है उस कंपनी का नाम है KBNBFC फाइनेंस। और जिस ऐप के साथ टाइप हुआ है, पर्टिकुलरली जिस ऐप के साथ टाइप हुआ है, जिस जहाँ तक मैं नॉलेज है मेरी, वो है क्रेडिट बी। यहाँ पे क्रेडिट बी, और क्रेडिट बी के अगर मैं ऑफिशियल ऐप के पास जाऊँ तो आप देख के हैरान रहेंगे, 7,52,000 लोगों ने इसको रेटिंग दी है और रेटिंग मिली है 4.6 तक की। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस ऐप में जो भी इंस्टेंट क्रेडिट या लोन की ऐप्स होती है उनकी रेटिंग अच्छी नहीं होती है, या तो वो उनके ऊपर एलिगेशन होते हैं गलत तरीके से पैसा कमाने का, लेकिन यहाँ इस ऐप के अंदर 7,50,000 से ऊपर ट्रस्टेड यूज़र हैं जिन्होंने एक्चुअल में आके इस कंपनी के लाइक किया है। और उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे जो इंस्टॉल है कंपनी के वो है 10,00,000 से भी ज़्यादा इंस्टॉल है। यहाँ पे बहुत बड़ी ऑडियंस को पूनावाला फाइनेंस शायद यहाँ कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है, और अपनी शायद मेरी तरफ से अगर मैं ओपिनियन लेंगे तो ये एक सिर्फ और सिर्फ ट्रायल है डिजिटल सेक्टर में लोन डिस्ट्रीब्यूट करने का, इंस्टेंट लोन देने का। अब यहाँ पे कंपनी क्या करती है, सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ, जो टाइप हुआ है वहाँ पे कंपनी क्या करती है, इंडियन जो पर्सनल फाइनेंस लोन देती है कंपनी, वो भी अप टू 3,00,000 तक आपको पर्सनल लोन यहाँ पे मिलता है। 100% सिक्योर लोन्स होते हैं, 24 आवर्स में अप्रूवल मिल जाता है और लोन का पैसा डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पहुँच जाता है। और ये डायरेक्ट आपको सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे में, वो भी 100% ऑनलाइन पेमेंट के मेथड से, 100% ऑनलाइन प्रोसेस के मेथड से आपको लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जिस ऐप के साथ टाइप है वो अप टू 3,00,000 कंपनी लोन देती है पर्सनल लोगों को, पर्सनल फाइनेंस के ऊपर। अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि पूनावाला फाइनेंस जो कि मैक्वा फिनकॉर्प भी हुआ करता है, यहाँ पे पर्सनल लोन्स के अंदर खुद भी अवेलेबल है, लेकिन यहाँ पे कंपनी के साथ टाई अप करने का सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है पूनावाला फाइनेंस का, कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी को समझा जाए और जो पर्सनल फाइनेंस के अंदर ऑनलाइन प्रेजेंस में जितने लोन डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वहाँ पे कितना स्कोप है या कितना बड़ा मार्केट साइज है जिसमें कंपनी घुसना चाहे, वो चीज़ टेस्ट करने के लिए कंपनी का टाई अप हुआ है, मेरा पर्सनल मानना है, चाहे किसी कंपनी के अंदर कुछ भी बोला जाए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही है, और मैं आपको यहाँ से शायद आपको एक फोरकास्ट बताना चाहूँगा, कंपनी
खुद का पूनावाला फाइनेंस खुद का एक जैसे क्रेडिट बीस है इसके जैसी ऐप लॉन्च कर सकती है आने वाले 10 से 15 महीने में। अगर ये पार्टनरशिप सक्सेसफुली चलती रही तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर कुछ भी मार्जिन में दिक्कत आएंगे, पूनावाला इतना कैपेबल है कि वहाँ पे अपना आईटी सेल बैठा के वहाँ पे पूरी की पूरी ऐप रेडी करके और फ्री में पीआर करके भी यहाँ पे प्रमोशन करके भी अपना ऐप के अंदर इतने यूजर्स ला सकता है। और ये एक नेक्स्ट एज टू एज कॉम्पिटिशन है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व के ऐप को, क्योंकि वो भी एक लोन डिस्ट्रीब्यूटर्स ऐप है, रिटेल्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, बहुत सारी चीज़ों में कॉमोडिटीज में रिटेल्स को लोन प्रोवाइड करते हैं, एसेंशियल चीज़ों पे लोन्स प्रोवाइड करते हैं, और वही सेक्टर पूनावाला फाइनेंस टैकल करने जा रहा है। और ये स्टेप है अभी डिजिटलाइजेशन के अंदर, कंपनी डिजिटल होके लोन बांटना चाहती है और ये एक पहला स्टेप है जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं कंपनी के पास आने वाले फ्यूचर में अपनी खुद की एप्स, खुद के प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का पूरा कैपेबल है। और यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको मार्केट साइज यहाँ पे लेता हुआ पूनावाला फाइनेंस दिख जाएगा आने वाले फ्यूचर में, एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और यहाँ न्यूज़ से ये पता लग जाता है कि आखिर कंपनी और कंपनी के प्रमोटर्स क्या सोच रहे हैं, जिसमें विज़न आपको क्लियर हो जाता है कंपनी ने कहाँ टाइप किया है, इससे आपको विज़न क्लियर हो जाना चाहिए कंपनी कौन से सेक्टर में जाना चाहती है और कितने बड़े सेक्टर है यहाँ पे ऑनलाइन बैंकिंग में। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा इस बात को कि जो ये ऐप्स है, जितने भी ऐप्स हैं आप मान लीजिए मार्केट में जितने भी ऐप्स हैं जो कि इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करती है, वो ज़्यादातर 90-80% कंपनी फ्रॉड्स होती हैं। वो पर्सनल डाटा का मिसयूज़ करके आपसे एक्स्ट्रा मनी आपसे एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, जिसमें से एक जो सक्सेसफुल ऐप है जो कि है क्रेडिट बी, उसके साथ टाइप हुआ है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। ये ऐप्स बहुत ज़्यादा ही पैसा कमाते हैं और इनके पास जितने लाखों में इंस्टॉल है, एक नाम जिसका कोई ब्रांड नहीं है, उसके 7 लाख से ज़्यादा लॉयल कस्टमर है जिन्होंने रेटिंग दी है, तो आप ये समझ सकते हैं कि एक ब्रांड जिसका इतना बड़ा नाम होने के बाद अगर वो अपना ऐप लॉन्च करता है या अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस लेके आता है पर्सनल लोन के लिए या अनसिक्योर्ड लोन के लिए, अगर मोस्ट प्रोसाइडली अगर मैं कहूँ अनसिक्योर्ड लोन के लिए, तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा आप मार्केट गेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आप इस स्टॉक को ट्रैक कीजिए। स्टॉक मैंने आपको बहुत पहले से बताया है, आपको कुछ लेवल्स बताना चाहूँगा। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं एक राउंडिंग बॉटम बन के आपको यहाँ पे निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अर्निंग सी डेट आने वाली है, अर्निंग एक्सपेक्टेड है 12 मई को, 12 मई तक आप यहाँ पे अर्निंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपनी से। देखना ये होगा कि कंपनी किस तरीके की अर्निंग्स प्रोवाइड करती है। और हालांकि यहाँ पे जो आपको नीचे के लेवल्स हैं, जिस लोगों ने भी ऊपर खरीदा है, अगर आपको लॉस होगा तो 295 के आसपास आप निकल जाइएगा। अगर आप नीचे तक ट्रेल कर सकते हैं तो 270-277 के आसपास निकल जाइएगा, बिकॉज वहां से अगर करेक्शन होती है तो आपको यहां पे 214-215 के आसपास आता हुआ नजर आएगा कंपनी। और यहां से अगर आपको मैं बता दूं 2320 पे अभी कंपनी मौजूद है ऑल टाइम, इसका 52-4 वीक हाई है, तो 344 इस लेवल को आपको देखना होगा। इस लेवल के आगे निकलती है तो कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न यहां से भी प्रोवाइड कर पाएगी। आगे की वीडियो यही थी, आज पूनावाला फाइनेंस में जो न्यूज़ थी वो मैंने आपको डिस्कस की है और ये एक बहुत बेहतरीन न्यूज़ है। बहुत दिनों से मैं आपको वीडियो बना के कहता हुआ कि ये कंपनी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस कंपनी में मार्केट कैप छोटा है होने के बावजूद भी अच्छा खासा कंपनी के पास एक मैनेजमेंट है जो कि इस कंपनी को वेल रन कर सकता है आने वाले फ्यूचर में। तो फ्यूचर प्रूफ कंपनी है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। Have a great investing.